साल तक का छठवां रोग है और इच्छक महाराज जी कौन से कथा कहाँ चल रही थी बताओ और ये मानवर लाखन सिंह यादव फौजी जो हमारे रिंकू शास्त्री जी के ज्येष्ठ भ्राताश्री है माल्या अर्पण किया है फौजी भाई ने खून पसीना की कमाई अर्पण की है अस्सी की नदे तब आज कम करूंगा कामना भगवान से करेंगे कि धर्म क्षेत्र में फौजी भाई के आप हमेशा अग्रसर होते रहे और इनके जीवन में जो भी बाधाएं हो प्रभु उनसे प्रकट करता रहे और ये बिल्लू यादव जी जिनका आप यादव सांग कर है जो है चल रहा है इसके माध्यम से माल्या अर्पण करके हमारा स्वागत और सम्मान किया गया है और ये रोहित यादव जी इसी गांव के रहने वाले हैं रोहित जी हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं इन्होंने हार दिया है और भगवान इन्हें भी हार में दे कौन से हार में खेत हार में है इन्हें भी हार में भी दे आहार में भी दे रोजगार में भी दे व्यापार में भी दे मतलब हर जगह दे जो माल्या अर्पण करके हमारा सम्मान किया है कर ले यार। और ये हमारा छोटा बेटा है रिंकू शास्त्री जी का पुत्र क्या नाम इसका हिमांशु हिमांशु बेटा हार पहना रहे माता पिता का नाम रोशन करें धनवान बने बलवान बने विद्वान बने ये कामना भगवान से करता हूं मानवर पंकज यादव जी इसी गांव टिकूपुरा के रहने वाले हैं पंकज जो हमारा सम्मान कर रहे हैं 251 रुपए का हार पहना करके कन्हैया ऐसे भक्तों के यहाँ हमेशा सुख शांति बनी रहे और प्रभु इन्हें दीर्घ आयु प्रदान करे अब देखते हैं अभी तक आप रिंकू कुमार शास्त्री जी के द्वारा कथा बड़ी मधुर कथा सुन रहे थे और आप लोगों का भी विशेष सहयोग रहेगा तो ये रिंकू कुमार जी हमारा नाम रोशन करेंगे आप लोग बुजुर्गों का हमेशा इनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे तो देखिए जिस समय भगवान कन्हैया और अपने मामा कंस के यहां रथ पर बैठ करके जब चले हैं तो भगवान की प्रेम का थी राधा ललिता सीला सुशीला चंद्रा साधना किरणा मंजू अनीता विनीता विमला सरला और ये धर्मेंद्र कुमार जी ढोलक मास्टर हैं जो रिंकू के साथ गांव छतौनी से ये हमें माल्या अर्पण करके हमारा सम्मान कर रहे हैं तो देखिए जिस समय भगवान कन्हैया रथ पे बैठ के चले हैं और परसों का वादा किया है कि हे राधे परसों का हम वादा करते हैं अवश्य लौट के आएंगे तो जो राधा को परसों का वादा किया है और रथ में बैठ करके जब चले हैं तो जब रथ की धूल दिखाई देती रही तब तक तो राधा देखती रही और जब रथ की धूल ना दिखाई गई श्री राधा रोए की बोली ललिता ये करिया कबो काम के ना ये जितने ऊपर थे कारे उतने पेट के कारे बहना करिए कबो प्यार मत करियो अभी तो बात कही बहना